बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज का दिन किसानों के लिए काफी अहम हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान अगर मामले का समाधान चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा है कि हम कृषि कानून को सशर्त सस्पेंड करना चाहते हैं। आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और आज फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। हालात जाने के लिए हम बना रहे हैं ये कमेटी। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कमेटी हम अपने लिए हम बना रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब आप सरकार से बातचीत कर सकते हैं तो फिर कमेटी के सामने पेश क्यों नहीं हो सकते। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से एमएल शर्मा अपनी दलीलें रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान नहीं चाहते हैं वो किसी भी कमेटी के सामने पेश हो। एमएल शर्मा की ओर से अदालत में यह भी कहा गया है कि आज तक प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं आए हैं। किसानों को इस बात को लेकर भी नाराजगी है और हमारी जमीन बेच दी जाएगी, इस तरह की बात उन्होंने अदालत में कही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि जमीन बिक जाएगी ये कौन कह रहा है। तो तमाम तरह की दलीलें चल रही हैं, आज बड़ा फैसला आ सकता है। और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष में है, इस हक में है, वो ये कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में किसानों को भी पेश होना चाहिए, उन्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए। कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अभी इसमें देखना होगा कि आखिरी फैसला क्या आता है क्योंकि अभी भी दलीलें दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में।